नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, आज अपन बात करेंगे भाई विदेश से रिलेटेड। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि भाई टिकटों का स्टार्ट कब होंगी, एयरप्लेन फ्लाइट्स कब से स्टार्ट हो जाएंगी, इससे इस टॉपिक पे बात करेंगे। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन वीडियो यहाँ पर मिलती रहे। तो स्टार्टिंग में पहले बता दें साथियों आपके कोरोना की अपडेट, भारत में 28,000 प्लस पॉजिटिव हो चुके हैं, 900 प्लस डेथ अभी तक हो चुकी है इंडिया में, और उसके अलावा 6,500 के करीब रिकवर हो चुके हैं कोरोना से। तो ये तो है कोरोना की अपडेट। आगे हम बात करते हैं साथियों कि इंडिया गवर्नमेंट ने अभी हलचल करी है शुरू की, इंडिया में एयरपोर्ट ओपन हो रहे हैं, ये आपको भी शायद पहले से पता होगा। और इसके कुछ रीज़न भी हैं कि भाई मजबूरी है कि लोगों को लाना बहुत ज़रूरी है इंडिया के अंदर, जो परेशान बंदे हैं, जो डेथ हो चुकी हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बीमार बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग वगैरह। तो इंडियन गवर्नमेंट ने हलचल कर दी है, धीरे धीरे निकल के न्यूज़ भी सामने आ रही है। केरला गवर्नमेंट ने तो साथियों एक न्यूज़ भी, वेबसाइट भी अपने मैं आपको शेयर करूँगा, वो वेबसाइट भी डाल दी है जिसमें रजिस्ट्रेशन करवाएँ कि भाई बंदे को कहाँ जाना है, क्या है, पासपोर्ट नंबर वगैरह टोटल उसमें डाला गया है, आप देख लीजिए उसमें बताया गया है। लेकिन उसमें मैं बता दूं आपको, कल की डेट में ये वेबसाइट लॉन्च हुई थी उसमें लगभग 40-50 हज़ार के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, यानी एक दिन के अंदर। अब भाई केरला के सबसे ज़्यादा लोग आपको पता है बाहर रहते हैं, गल्फ कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा केरला के लोग हैं, ये आपको पता है, और भी बहुत सारी कंट्रियों में केरला के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने ये वेबसाइट लॉन्च की है कि भाई जो बंदा जहाँ का है अपनी पूरी डिटेल डालें ताकि हम जब भी फ्लाइट स्टार्ट हो तो उसके हिसाब से उनको कहाँ कहाँ उतारना है, जैसे केरला में कितने एयरपोर्ट हैं, जो एयरपोर्ट जिनके नज़दीक रहेगा उसी हिसाब से उनको रिकवर किया जा सकेगा। 40-50 हज़ार रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं, लेकिन वो केरला गवर्नमेंट के हैं, इंडियन लेवल पे अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई मैसेज या फिर ऐसा कोई न्यूज़ निकल के नहीं है। ये हो सकता है एक दो दिन में ऑफिशियल अलाउंस हो जाएगा, या मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट कोई वेबसाइट लॉन्च करेगी, क्योंकि भाई जनसंख्या उनको पता है लाखों में पहुँचेगी, तो रजिस्ट्रेशन का मुझे नहीं लगता कोई मतलब रहेगा। उनका लक्ष्य एक ही होगा, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, गोवा, महाराष्ट्र, मतलब जो मेन 4-5 हवाई अड्डे हैं, कलकत्ता वगैरह जो महानगरों पे है, उनको कवर करेगी कि जो बंदा जहां उन्हें नज़दीक है उनको कवर कर लीजिए ताकि उनको पहुंचाने में आसानी। अब लोग ये आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मान लीजिए कि फ़्लाइट चालू हो जाती है तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस उनको दी जाएगी जो बीमार हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो बीमारी से पीड़ित हैं या कोरोना से जिनकी डेथ हो चुकी है, उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों का नंबर आएगा। तो ये प्रोसेस ये नहीं है कि एक दिन में आज से स्टार्ट हो गया और कल से आप सब लोग इंडिया पहुंच गए, ऐसा संभव नहीं है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि इंडिया भाई कितनी बड़ी पॉपुलेशन की कंट्री है यार, 20-30 देशों को मिला लो ना तब एक इंडिया बनता है। लोग तो बैठ देते हैं फलाने कंट्री ने रिकवर कर लिया, अरे भाई उनके अंडे जितने पूरे देश हैं वो, ठीक है, समझ गए बात को, अपना एक शहर होता है ना उतनी तो उनकी पॉपुलेशन होती है पूरी, तो वो रिकवर क्यों नहीं कर लेंगे यार, उनके लिए आसान है लेकिन इंडिया के लिए कितना मुश्किल काम है। तो थोड़ा सा धीरज रखिए, मेरी जहाँ तक सोच है 30 अप्रैल से पहले पहले पूरी 3 दिन के अंदर ये अलाउंस कर दिया जाएगा कि कैसे गवर्नमेंट अंडर प्रोसेस चल रहा है। हालांकि कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑफिशियल नहीं की जा सकती अनाउंसमेंट, अंडर प्रोसेस चल रहा है कैसे क्या करेंगे, और 30 अप्रैल तक ये ऑफिशियल अनाउंस हो जाएगा लगभग पूरी संभावना है। गवर्नमेंट ये सेटिंग कर रही है कि भाई किस तैयारी से आपको निकालना है, क्योंकि उठाना वहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया आने के बाद आपका क्या करना है, किस तरह से आपकी जांच होगी, किस तरह से आपको आइसोलेट करना पड़ेगा, क्वारंटाइन करना पड़ेगा, या फिर आपको आपके घर तक कैसे पहुंचाया जाएगा। सबसे बड़ा मेजर पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि आपको अपने घर तक कैसे पहुँचाया जाएगा, यानी आप मान लीजिए दिल्ली में एक फ्लाइट में 250 लोग उतर गए, आगे क्या है जी, लॉकडाउन पड़ा है, पूरा सिस्टम बंद है, कैसे निकलोगे, फिर वहाँ पे आपको रखना, आपको गवर्नमेंट अपनी तरफ से रखेगी, फिर मेरी जहाँ तक सोचता आपको ट्रेनों के ज़रिए पहुँचाया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, यही ऑप्शन है गवर्नमेंट का, और कोई पर्सनल गाड़ियाँ तो लेके गवर्नमेंट भेजेगी नहीं, ट्रेनों के माध्यम से आपको आना पड़ेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। एक बात मैं क्लियर कर दूँ आपको, आप खुश हो रहे हैं, अच्छी बात है कि हम इंडिया चले जाएँगे, लेकिन भाई टिकटों का भाव है ना आसमान छुएगा, ये बात हमेशा याद रखना, टिकटें बहुत महंगी मिलेंगी, वो पैसा आपको ही देना पड़ेगा। स्पेशल फ्लाइट्स अलग होती हैं, जैसे लॉकडाउन से पहले गवर्नमेंट ने वुहान से या फिर इराक से या फिर इराक ईरान से काफ़ी जगह से गवर्नमेंट ने अपने स्पेशल फ़्लाइट भेज के उनको रिकवर किया था,
वो एयरलिफ्ट बोलते हैं उनको, वो एयरलिफ्ट हुए थे, उनका पैसा नहीं देना पड़ा लोगों को। लेकिन अभी जो फ्लाइट्स आएंगी उनका पैसा आपका लगेगा, टिकटें आसमान को छुएंगी, ये ध्यान रखना। लगभग एवरेज मेरे हिसाब से 40,000 के करीब ये टिकटें आज अभी मैं देख रहा था गोवाई विवो पे कि टिकट हालांकि शो नहीं करती लेकिन उसमें रेट अंदर देखें तो शो कर रही है 30-35,000 के करीब रेट फैक्चुलेट कर रही है। तो आप समझ लीजिए कि जब फ्लाइट स्टार्ट होगी तो मेरे हिसाब से 40,000 के ऊपर ही टिकट रहेगी, तो टिकटें भी महंगी होगी। तो मेरा निवेदन ये है कि जिनको इमरजेंसी नहीं है, जो वहाँ थोड़ा ठीक है उनके लिए दिक्कत नहीं है, वो रह सकते हैं, तो वो थोड़ा जल्दबाजी न करें, वरना 40-50,000 दे के आप इंडिया पहुँचोगे, इंडिया से घर आते आते आपको कितना टाइम लगेगा ये मैं नहीं कह सकता। ये अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, गवर्नमेंट आपको कहाँ रखेगी, कैसे आपको इंडिया पहुँच गए, अच्छी बात है, एयरपोर्ट से बाहर निकल गए, फिर आपको कहाँ रखा जाएगा, समझ रहे हो बात को, और फिर आप कैसे घर पहुँचोगे, घर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, नो आइडिया। तो थोड़ा सा आप इस बात पे भी गौर कर लें, अच्छी बात है फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगी मेरे हिसाब से। मैंने आपको जो इंक्वायरी दी आपको समझ में आई होगी मेरी बातें। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।